बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जिंजुआ एक नई इन्फॉर्मेटेड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा कि आप अपना किस तरह से GCCI ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो पुर्तगाल के ड्राइविंग लाइसेंस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। GCCI ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो जिसमें UAE ड्राइविंग लाइसेंस, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप किस तरह से पुर्तगाल के ड्राइविंग लाइसेंस में एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और क्या तरीकाकार होगा, आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से यही कहूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आपका जिस तरह का भी जो भी सवाल होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहां तक ये बात है कि अगर आपके पास GCCI कंट्रीज का ड्राइविंग लाइसेंस है, UAE का है, कतर का है, बहरीन का है, ओमान का है, सऊदी अरब का है, कुवैत का है, तो वो लाइसेंस आप अपना जो कि पुर्तगाल में है इजीली आसान तरीके से बहुत कम प्राइस में जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं। उसके लिए जिन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपके पास जो आपका, अगर मिसाल के तौर पे अगर आपके पास सऊदी अरब का या दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ओरिजिनल वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। उसके बाद उसका NOC लेटर जो होता है, जो कि ड्राइविंग स्कूल सेंटर की तरफ से आपको दिया जाता है, वो NOC लेटर आप वहां से निकलवा रहे। अगर आप दुबई से हैं तो आप दुबई से निकलवा लें, अगर आप सऊदी से हैं तो सऊदी से निकलवा लें, सऊदी से आप सऊदी के ड्राइविंग स्कूल सेंटर में जाएंगे मरूर में, और अगर आप UAE से हैं तो आप UAE के ड्राइविंग स्कूल सेंटर में जाएंगे, तो वहां से आप जो है वो अपना डॉक्यूमेंट निकलवा लें। वहां से जब आप अपना डॉक्यूमेंट जो कि NOC लेटर होगा, ये डाटा वेरिफिकेशन लेटर होता है, बेसिकली इसको डाटा वेरिफिकेशन लेटर कहा जाता है, जिसके अंदर वो गवर्नमेंट आपको कहती है कि इस पे किसी तरह का कोई फाइन नहीं है या किसी तरह का भी कोई इसके लाइसेंस पे मसला नहीं है। सो वो जब आपको लाइसेंस का पेपर, आपको NOC लेटर मिल जाएगा, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि एक पुर्तगाल में आपने जो आंखों की जहां पे आइस की जो टेस्ट होता है, जहां पे ग्लासेस आप लगवाने जाते हैं, वहां पे आपने ग्लासेस की शॉप पे जाना है, वहां पे जाके अपनी आइस का टेस्ट जो है वो करवा लेना है, और वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा जिसमें आपकी रिपोर्ट होगी आपकी आंखों का टेस्ट का। ये जब आपका आंखों का टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट होगा, जो RC जो आपका पुर्तगाल का एक डॉक्यूमेंट बनता है, जो कि पुर्तगाल का एक ID बनता है, TRC, ये आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जो भी जितने भी है ये आपने सबमिट करने हैं, जो कि वेबसाइट है पुर्तगाल की, जिसपे आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जो सेंड करने हैं वो पुर्तगाल की वेबसाइट है MID पे जितने भी आपने ये पुर्तगाल जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बोले हैं, जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है जो कि UAE सऊदीया का होगा वो वाला, ये और आपका जो TRC जो आपका कार्ड है वो वाला, उसके बाद आपका आंखों का टेस्ट जो है, और उसके बाद जो आपका NOC लेटर है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है वहां पे आप जब सबमिट करेंगे पूरी डिटेल लिखी होगी, अपना ईमेल देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, और आप जो है उसपे जो आप नेक्स्ट करके सेंड कर दें उनको। जब आप सेंड करेंगे तो आपकी ईमेल पे जो है वो वेरिफिकेशन आ जाएगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट है, थोड़ी देर में आपको आपकी ईमेल आएगी वापस, उसपे ये लिखा होगा कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो हमें मौसूल हो गए हैं, तो हम आपसे कुछ दिन बाद जो है वो कॉन्टेक्ट करेंगे। अब वो दिन कितने हो सकते हैं, वो दिन हो सकते हैं 15 से 20 दिन हो सकते हैं, 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ही वो आपसे दोबारा कॉन्टेक्ट करेंगे और आपको ये बोलेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे सेंड किए हैं, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, आप इनको लेके वो जो ड्राइविंग स्कूल सेंटर होता है वहां पे, जो कि पुलिस का सेंटर होता है वहां पे आप लेके जाएंगे। जब वहां पे आप लेके जाएंगे और आपसे 30 यूरो जो है वो चार्ज किया जाएगा, 30 यूरो चार्ज करने के बाद सिंपल आपको ये कहा जाएगा कि आपके एड्रेस पे 10 से 12 दिन में जो है वो आपके एड्रेस पे जो कि पुर्तगाल का ड्राइविंग लाइसेंस है वो भेज दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है जो कि आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपना जो GCCI ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वो कतर का है, बहरीन का है, ओमान का है, कुवैत का है, UAE का है, सऊदी अरब का है, आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं पुर्तगाल के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये एक शॉर्टली तरीका है, मतलब बहुत जल्दी आसान इजी वे से बहुत कम एक्सपेंस में आप जो है वो अपना लाइसेंस जो है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं, अपना सऊदी अरब का, UAE का लाइसेंस पुर्तगाल के लाइसेंस के साथ एक्सचेंज करवा सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।